हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. और आज है दावत का व्लॉग, जिसके लिए मैंने ग्रेट कर ली है कैरेट और बनाने वाली हूँ गाजर की खीर, जिसके लिए ये मैंने लिए हैं 1 बोल राइस. और मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने गाजर चढ़ा दी थी तो उसमें ऐड कर दूँगी. और इसी के साथ ही मैं मिल्क भी ऐड कर दूँगी. और यहाँ मैंने लिए हैं ये 3 kgs मिल्क, हाफ हाफ लीटर की है ये, तो 3 kgs हो गया, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 3 लीटर. और यहाँ एक साइड पे उबल रहे थे पाए, ये मेरी मदर इन लॉ ने चढ़ाए थे और ये उन्हीं की रेसिपी है. इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, दैट्स इट. हाँ जी, तो आज है दावत की, नई बहू की दावत है, यानी कि मेरे हस्बैंड के जो कज़न की अभी शादी हुई थी. लास्ट व्लॉग्स आपने अगर देखे होंगे, जिन्हें याद होगा, तो उन्हीं नई दुल्हन की दावत थी ये और नए साल की दावत अब थी. हम इसे पकाएंगे अंटिल हमारा मिल्क बिल्कुल नीचे तक चला जाए और ये सारा मिल्क सोक हो जाएगा, ठीक और है? साथ साथ मैं आपको बताते भी रहूँगी क्या क्या बन रहा है और बातें भी करते रहते हैं आज हम. और मैं बिरयानी और चिकन चंगेज़ी की रेसिपी जो मेरी पहले अपलोड हुई हुई है, तो प्लीज़ आप वो लोग देख लेना. और ये कीमे की रेसिपी है, ये भी अपलोड हुई हुई थी, जो कीमे की कचौरी मैंने बनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट में डाल दी है. तो यहाँ पर ये कबाब की तैयारी चल रही थी. कीमा है, चने की दाल है, होल गर्म मसाला है, रेड चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं और ये साबुत भी जिंजर गार्लिक है, सॉल्ट है और मैं हल्दी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कबाब में हल्दी. और जिसे नहीं समझ में आ रही डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो होगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मुझे मैसेज कर देना जिसको चाहिए होगी कीमे की कचौरी जो बनाई थी. तो मैं आज आपको मेन्यू भी बता देती हूँ. हम बनाने वाले हैं कबाब, पाए और फिश एंड बिरयानी एंड चिकन. फ्यू मोमेंट्स लेटर और ये है गाजर की खीर और कॉफ़ी भी बनी थी लास्ट में, बट वो बनी बना. और ये अनियन है, मेरी मदर इन लॉ ने कट कर दी है और मैं इसे ग्रेट करती हूँ. और ये फ्राई होने के लिए प्याज मैंने ग्रेट कर ली है. और मेरे को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी. मैंने जो कुकिंग सीखी है वो मेरी मदर इन लॉ की वजह से ही सीखी है, उन्होंने ही मुझे सिखाई थी. आफ्टर मैरिज मैंने कुकिंग सीखी थी और जो भी है यही है. और यहाँ पर मैंने ये खोल लिया था और पानी बहुत ज़्यादा था कीमे में, तो ये थोड़ा खुश्क हो जाए. उसके बाद मैं मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये फाइनल आउटकम है. अभी इसमें हरा धनिया, हरे मिर्च और प्याज मिक्स होने रह गई है. देखिए प्याज, अब ये प्याज भी ब्राउन हो गई. A few moments later. देखिए ये पककर हाफ हो गई है, ये यहाँ पर थी और यहाँ से ये नीचे पहुँच गई है. और इस पॉइंट पर हम थोड़ा मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. मैंने ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर चॉप कर लिया है और यहाँ पर ये अनियन चॉप कर ली हूँ और यहाँ पे चॉप्ड अनियन भी डाल देती हूँ इसी में. मम्मा क्या बनना है? पाए आज चंगेजी कल के लिए. और मेन्यू की जो प्रिपरेशन है वो हमने आधी पहले ही कर ली थी, ताकि नेक्स्ट डे ज़्यादा बर्डन नहीं हो. जैसे कि कबाब फ्रीज कर लिए थे बनाकर, और पाए हमने उबाल कर रख लिए थे, और खीर भी हमने बना के रख ली थी ताकि नेक्स्ट डे, और ये अनियन भी फ्राई कर कर रख ली थी ताकि नेक्स्ट डे जो थोड़ा कम रहे. कितनी होगी चीनी? 250 ग्राम. लो डालो. ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे मैंने कबाब भी बना के रख लिए थे और ये एक दिन पहले की ही वीडियो चल रही है अभी तक. और हम दोनों मिलके माशाल्लाह सारी तैयारी कर लेते हैं, कोई भी दावत होती है तो हम दोनों मिलकर हाफ हाफ सब डिवाइड कर लेते हैं. The next day. उसमें डाला खड़े गरम मसाले, लहसुन अदरक, नमक, मिर्च, धनिया और लाल मिर्च, है ना, और ये प्याज ग्राइंड होगी और फिर दही के साथ डलेगी. ये पाई की रेसिपी जो है ये मेरी मदर इन लॉ की है और इनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है माशाल्लाह से. और फ़िश की रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, फ़िश भी इसी प्रोसेस से बनी थी. हमने ये फ्राइड अनियन ही डाली थी दही के साथ और ऐसे ही मसाला भूनकर ऐसे ही बनाई थी. तो मैं नेक्स्ट टाइम फ़िश की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी.
और पाए जो है वो सही से बॉईल नहीं हुए थे, तो ये नेक्स्ट डे हमने दोबारा से कुकर में ये विसल ली थी दो तीन, तो वो सही सेट हो गए थे। उसके बाद वो जो अभी मसाला हम भून रहे थे इसी में दही ऐड कर दिया था, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे जो अभी पाए बॉईल हुए थे उन सबको ऐड कर देंगे और गार्निशिंग कर देंगे लास्ट में। A few moments later. हाँ जी, जो ये पाए रेडी हो गए हैं अब ये बिल्कुल फिनिश्ड हैं। अब इसके बाद मैं बिरयानी की तैयारी करूँगी, और बिरयानी की मैं यखनी चढ़ा रही थी। यखनी में मैंने ये 2 kg मीट था, उसमें ये सौंफ, धनिया, ग्रीन चिलीज़, अनियन और ये गार्लिक है, और मैं सॉल्ट भी डालूंगी। मैंने पहले भी बताया, डिटेल वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे पहले होगी, ये मैंने बिरयानी की रेसिपी डिटेल में अपलोड की हुई है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और ये घोल गरम मसाले भी डाल देते हैं, और सॉल्ट भी मैंने डाल दिया है, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी बे लीव्स। और यहाँ हम डालने वाले हैं कोरिएंडर, मैं बनाने वाली हूँ चटनी। मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और गार्लिक, और लूँ 1 tablespoon सॉल्ट, कोरिएंडर वाली हूँ मैं 1/2 lemon। नाउ इट्स रेडी, रेड चिलीज, गार्लिक एंड क्यूमिन सीड्स और सॉल्ट एंड 1/2 spoon ऑफ लेमन। थोड़ी सी नीचे गिर गई। Guys, guys, guys. See, जितनी अच्छी लग रही है ना उतनी ही बहुत टेस्टी है। और मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाती हूँ, मुझे चटनी तो चटनी की तरह ही तो अच्छी लगती है। तो हाँ जी, तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन चंगेजी, और उसके लिए मैरिनेशन मेरी मदर इन लॉ ने कर दिया था। इसमें डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, आई थिंक थोड़ी सी टर्मरिक भी डाली है, और सारे होल गर्म मसालाज हैं एंड कर्ड हैज एडेड लेमन। और मैं थी नहीं तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने यही सब डाला था। चिकन चंगेजी की वीडियो भी मेरी अपलोड हुई हुई है, आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। और इन्हें मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, वो मैंने रोस्ट नहीं करी थी। मैरिनेशन के बाद मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ या रोस्ट कर लेती हूँ, तो आप इसे कह सकते हैं चिकन अंगारा। चलिए जी, ये हो गए हैं, इधर बन रही है चाय, आए हैं नाना जो गाली। सॉल्ट, ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, 2 tablespoon रेड चिली पाउडर, उसके मिक्स। मैं डाल रही हूँ MDH की कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, और अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे साइड बाय साइड। और मैंने सारे होल गरम मसाले ले लिए, क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स डाल देती हूँ इसमें, और यहाँ तो मैं यहाँ पर मेरे 2 kg राइस हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी टोमेटोज और ग्रीन चिलीज, इन्हें मैं कट कर लेती हूँ। ये जो है अच्छा था मेरा चिकन, ये वीडियो में थोड़ा सा कलर येलो आ रहा है, लेकिन ये येलो नहीं है, है रेड कलर ही। अभी कुक होगा तो इसका कलर और अच्छे से निकल रहा। फ्रेश क्रीम, A few moments later. हमारी खीर रेडी हो गई है, बॉल्स में डाल दी थी, और यहाँ पर अम्मी डाल रही थी ड्राई फ्रूट्स। 2 hours later. हाँ जी, अब गेस्ट आ गए हैं, तो ये सर्विंग टाइम है, मैं सबको सर्व करके दे रही थी।
सकते हैं माशाल्लाह। पाए और क्या है, कबाब और एक और कहीं नहीं गिरता, मम्मा ने बना दी। अच्छा मेहमानों से काम करवा रहे हो तुम। ओ ये कौन सी है, पता नहीं, एक तो दो रंग की बनवाई है, एक आटे की तो नहीं लग रही है, आटे की है। क्या करूँ अब, हाँ तो मिक्स है, कोई बात नहीं, दो रोटी वैसे दे दो, दो चार रोटी वैसे दे दो, तो मैदे की पहले है इसी में रख दो, रुको ऐसे कैसे दे दूं? अरे प्लेट में रख के दे दो ना, ऐसी ठंडी हो जाती है तो रुमाल में दे दो, ये तरह रुमाल इसमें दे बैठ दो, ये नहीं दूसरा। लो पकड़ो, पता नहीं बिरयानी कैसे बनी होगी। क्या है, पनीर? पनीर नहीं है, ये फिश है मम्मी। मम्मी नमक मांग रहे हैं। अच्छा दे रही, रुक जाओ इसमें डाल ना। हां खा लिया तूने? नहीं खा ला। हाउ वाज इट? गुड। ये रिएक्शन तो अलग है और आप बोल कुछ और रहे हैं। पाई अम्मी ने बनाया जी, दूल्हा राजा। अभी तो रहेंगे, जब तक नहीं आएंगे दूसरे। 2023 सही हो रहा भाई, उस दिन बर्थडे पे दावत और आज एक महीने। Two thousand years later. हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा हमें, मजा आ गया खाने में तो, और पाए में तो बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आफरीन, थैंक यू खाला। चलिए ठीक है, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप भी जा रहे हैं? मग जा रहा हूँ। खीर किसने छोड़ी और ये शहनाई किसने खाई है, ये बताओ, जो ब्लॉग देख रहा है हमें बताओ। अल्लाह हाफिज। कुछ हमारे पास आई है स्वीट्स इरम चाची और जैबुन दादी की तरफ से, तो हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलिए, ये है हमारी 9 बजे का स्कूल है। जामुन 9 बजे टाइम हो गया याद का, आ गया मैसेज। हाँ 9 बजे का टाइम है ना, अब रसमलाई ले लेना, मैं आपकी फेवरेट है, और यार तो खाती नहीं है मेरा।